हेलो फ्रेंड्स, आई एम अन्वेषा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आईबीपीएस पीओ मेंस का सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस करने वाली हूं, क्योंकि आज मेरा एग्जाम था पीओ मेंस का। तो एग्जाम देकर मैं आई हूं और मेरा एग्जाम का पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैंक एग्जाम्स रिलेटेड इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट का लिंक दिया गया है, उसको आप जरूर चेक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप आईबीपीएस गाइड का ईयरली प्लैटिनम कार्ड खरीद सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा 349 रुपीज़ में और इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर। यहाँ पर आपको बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, इंश्योरेंस, चारों एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, ईबुक्स, वीडियो कोर्स, टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। सारे टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड अन्वेषा यूज़ करते हैं तो 349 रुपीज़ के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप पेपैल से पेमेंट करते हैं तो आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा, लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके बारे में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये प्लैटिनम कार्ड खरीदने से पहले आप इनका फ्री मॉक टेस्ट एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर पसंद आता है तो आप खरीद लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेरे अटेम्प्ट्स मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, ठीक है? तो इसलिए वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। रीजनिंग में कोडेड इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस आए थे, और ये सारे क्वेश्चंस ना, कोडेड इनइक्वालिटी से जितने क्वेश्चन आए थे, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है? कोडेड इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस आए थे, फिर कोडेड ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चंस आए थे, ये भी 1 मार्क वाले सवाल थे। उसके बाद आपके आए थे कोडेड डायरेक्शन और डिस्टेंस, ये इजी क्वेश्चंस थे, ये इसलिए ये 1 मार्क वाले क्वेश्चंस थे, ओके? उसके बाद आपके आए थे इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट थोड़ा नया पैटर्न का था, डिफरेंट टाइप का इनपुट आउटपुट था। यहाँ पर क्या था दोस्तों, देखिए, वो लोग बोल रहे थे, क्वेश्चन में बोल रहे थे कि बुक्स हैं कुछ और उन बुक्स के कोड्स हैं, ठीक है? तो ये बुक्स जो है ना, ये बुक्स 2 टाइप्स के हैं। एक का ऑड नंबर ऑफ पेजेस हैं, एक टाइप के बुक्स में ऑड नंबर ऑफ पेजेस हैं और दूसरे टाइप के बुक में इवन नंबर ऑफ पेजेस हैं। और ये नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से आपको कोड इसका बनाना होगा। कोड बनाने का जो तरीका है ना, निकालने का जो तरीका है, वो नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पेजेस ऑड है या इवन है। तो यहाँ पर ऐसा था, नंबर ऑफ पेजेस दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पर था स्टेप 1, उसके बाद स्टेप 2 और उसके बाद कोड फाइनली, ठीक है? ये कोड बनाने के बाद ना, इस कोड को फिर से आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। उसके बाद टोटल यहाँ पे 10 कोड्स बन रहे थे, 10 बुक्स थे, 10 कोड्स बन रहे थे। असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना था, इसको अरेंज करना था। उसके बाद ए और बी 2 काउंटर्स थे, इन 2 काउंटर्स में इन 10 कोड्स को आपको रखना था। फर्स्ट 5 कोड्स आपका जाएगा ए काउंटर में और नेक्स्ट 5 कोड्स बी काउंटर में, ठीक है? ये था आपका इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों, रिवर्स सिलॉजिज्म से क्वेश्चन था, रिवर्स सिलॉग से बस 1 क्वेश्चन ही था। और उसके बाद आपका लीनियर अरेंजमेंट था, एक लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन था जिसमें कि 11 हाउसेस थे और सारे और यहाँ पर ऐसा बोला गया था कि आपका वेस्ट टू ईस्ट इनका अरेंजमेंट था 11 हाउसेस का, और इसमें से कुछ हाउस वैकेंट थे और कुछ हाउस में लोग थे, ठीक है? उसके बाद आपका था सर्कुलर अरेंजमेंट वाला एक पजल था, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था जिसमें कि 7 लोग बैठे थे, 7 पीपल वाला था। और ये 7 लोग ना डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, डिफरेंट अमाउंट ऑफ पानी ये लोग पी रहे थे, अलग अलग क्वांटिटी का पानी ये लोग पी रहे थे। राम एक आदमी था जो इन लोगों को सबको पानी पिला रहा था और डिफरेंट क्वांटिटी का पानी पिला रहा था। राम के पास टोटल था 300 ml वाटर। तो ऐसा मतलब ये एक 7 पीपल वाला सर्कुलर अरेंजमेंट वाला पजल था जिसमें कि एक वेरिएबल था जो कि है वाटर, और सारे लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे थे, ओके? उसके बाद दोस्तों, आपका एक बॉक्स टाइप का पजल था, बॉक्स बेस्ड पजल जिसमें कि वेरिएबल था नंबर ऑफ टॉफी,
ओके नंबर ऑफ टॉफी था आपका वेरिएबल, और ये बॉक्स बेस्ड पजल में ना जो लोग थे वो लोग अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो लोग अरेंज्ड थे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी ए, जैसे मतलब मिडिल वाला था जे, ऊपर भी जितने बॉक्सेस थे नीचे भी उतने ही बॉक्सेस थे, ऐसा वाला पजल था। और नंबर ऑफ टॉफीज जो थे वो थे मल्टीपल ऑफ 13, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल थे, क्रिटिकल रीजनिंग में आपका आया था इन्फरेंस वाला सवाल आया था और एजम्पशन वाला सवाल आया था, उसके बाद बाकी क्या आया था वो मुझे उतना याद नहीं है, ये दो ज़रूर आए थे। ओके बाकी क्वेश्चंस उतना याद नहीं है दोस्तों, एग्ज़ाम प्रेशर में उतना याद मैं नहीं रख पाई हूँ। तो अगर रीजनिंग का मैं लेवल बोलूँ तो लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर था रीजनिंग, पिछले साल के तुलना में इजी था। मैथ्स में अब चलिए मैथ्स का बात करते हैं, यानी क्वांट्स डीआई का बात करते हैं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इसका लेवल हम डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, लेंदी था, डिफ़िकल्ट था इसका लेवल, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इसमें फर्स्टली एक आपका बार ग्राफ का डीआई था जिसमें कि दो बार ग्राफ्स दिए गए थे, तीन आइटम्स थे दोस्तों, पी क्यू और एक्स वाई जेड थे, यस एक्स वाई जेड, और इनका परसेंटेज ऑफ सेल्स कहा गया था यहाँ पर, ठीक है। और कंपनीज जो थे ना, कंपनीज थे पी क्यू आर, सपोज ऐसे कंपनीज थे, और यहाँ पर एक्स वाई जेड का परसेंटेज ऑफ सेल्स बताया गया है, और यहाँ पर टोटल सेल बताया गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिला के इस कंपनी का कितना परसेंटेज सेल का टारगेट है, टारगेट सेल्स बताया गया है तीनों आइटम्स मिलाकर, ठीक है। तो ये था एक बार ग्राफ वाला डीआई, ये कंपेरेटिवली दूसरे डीआई से ईजी था। ओके उसके बाद आपका एक ग्राफ टेबल वाला एक डीआई था दोस्तों, ग्राफ प्लस टेबल, जिसमें कि ऐसा ग्राफ दिया गया था, ओके, और कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन था इसमें, और यहाँ पर टेबल दिया गया था, ओके तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, ये ऑर्डर डिलीवरी वाला क्वेश्चन था, कुछ यहाँ पर देखिए कुछ आइटम्स ऐसे थे कुछ आइटम्स ऐसे थे जिनका डिलीवरी हो चुका था, और कुछ आइटम्स ऐसे थे जिनका डिलीवरी होने के बाद रिटर्न हो गया था, ओके और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी आइटम्स थे, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। मैं ये अटेम्प्ट नहीं की थी, मैं बहुत टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दी थी इसको समझने में, लेकिन एंड तक ये नहीं बन पाया मुझसे। उसके बाद दोस्तों एक कैसलेट का क्वेश्चन था, कैसलेट का क्वेश्चन ऐसा था कि एक कोई खिलौना है और उस खिलौने का दो टाइप का मूवमेंट है, एक तो हेड मूवमेंट है और एक शायद हैंड मूवमेंट है, ऐसा कुछ है, और यहाँ पर बैटरी दिया गया था, बैटरी मतलब ए, तीन बैटरीज थे ए बी सी, यहाँ पे बैटरी का कैपेसिटी था कितना परसेंटेज उसका, कितना उसका कैपेसिटी है, सपोज 1500 उसका कैपेसिटी है, और कितना बैटरी परसेंटेज कितना है ऑलरेडी, सपोज 80% है, ठीक है। तो और यहाँ पर दिया गया था कि कितने मूवमेंट, सपोज ऐसा दिया गया था कि यहाँ पे फोर्थ हैंड मूवमेंट प्लस और फर्स्ट फोर हैंड मूवमेंट्स और एक आपका सपोज़ लैटरल मूवमेंट या कोई भी मूवमेंट आप सोच लीजिए, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कौन से मूवमेंट के बारे में कहा गया था, एक सेकंड प्लीज़। हाँ तो फोर्थ हैंड मूवमेंट और एक लैटरल मूवमेंट करने के बाद 1 यूनिट बैटरी कंज्यूम हो रहा है, और 9 AM को ये खिलौना चलने लगा है, और सपोज़ ये ए वाले में 11 AM को ये खिलौने का बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसके ऊपर कैसलेट वाला सवाल था, थोड़ा अजीब सवाल था। ओके नेक्स्ट एक कैसलेट का सवाल था जिसमें कि कहा गया था कि दो विलेजेस हैं, विलेज ए और विलेज बी, और विलेज ए में कुछ लोग रहते हैं, विलेज बी में कुछ लोग रहते हैं, इसमें से कुछ लोग ग्रेजुएट्स हैं कुछ लोग ग्रेजुएट्स नहीं हैं, जिसमें से कि कुछ मेल्स हैं और कुछ फीमेल्स हैं, ठीक है, ऐसा सवाल था कैसलेट वाला। उसके बाद दोस्तों प्रोबेबिलिटी से एक कैसलेट था, कैसलेट टाइप का एक पैराग्राफ टाइप का सवाल था प्रोबेबिलिटी से,
और उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस थे, और दोस्तों एंड में एक रॉन्ग नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन था। ओके, बस इतना ही मुझे याद है, ज़्यादा कुछ याद नहीं है, इतना ही है मुझे याद। उसके बाद दोस्तों चलिए चलते हैं इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में फ्रेंड्स देखिए, आरसी, थ्री आरसीज आए थे, तीन आरसी आए थे। और फर्स्ट वाला जो आरसी था उसका टॉपिक था एलिमेंटरी एडुकेशन, एलिमेंटरी एडुकेशन इन यूएस, यूएसए में एलिमेंटरी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर था। दूसरा वाला जो आरसी था वो था ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ भूटान। इस पे था। और तीसरा वाला जो था वो एक सॉकर गेम के ऊपर था। ठीक है, इन तीनों के ऊपर आरसी थे। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए, एक कोई सिंपल सा सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन नहीं था ये। ऐसा था दोस्तों, 1 2 3, यहाँ पर एक सेंटेंस, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस के पार्ट्स दिए गए हैं जो आपको अरेंज करना है। उसके बाद 2 में दिए गए हैं जो आपको अरेंज करने हैं। 3 में, यहाँ ऐसे 4 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ये आपको अरेंज करना है 3 वाला, और यहाँ पर 4 में अरेंज करना है। उसके बाद अरेंज करने के बाद आपको फिर बताना है कि 1 2 3 और 4 इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो ये पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं जाता है, मतलब जो ऑड वन आउट है, जो भी इस पैराग्राफ के साथ नहीं जाता है वो आपको बताना है। और उसके बाद ये इंडिविजुअली सेंटेंस रीअरेंज करने के ऊपर भी क्वेश्चन था कि इनका सीक्वेंस बताइए, 2 का सीक्वेंस बताइए, 3 का सीक्वेंस बताइए, 4 का सीक्वेंस बताइए, ऐसा वाला भी सवाल था। ओके, उसके बाद आपका था वर्ड इंटरचेंज, वर्ड इंटरचेंज वाला सवाल भी था दोस्तों। वर्ड इंटरचेंज में ऐसा था, सेंटेंस वन एक है, सेंटेंस टू है दोस्तों, और यहाँ पर सेंटेंस वन में तीन वर्ड्स को बोल्ड में दिया गया है, तीन वर्ड्स बोल्ड में दिए गए हैं सेंटेंस वन में। सेंटेंस टू में भी सपोज 3 या 4 वर्ड्स बोल्ड में दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि सेंटेंस वन के किस वर्ड के साथ, अगर आप सेंटेंस टू के किस वर्ड को इंटरचेंज करने पर सेंटेंस वन एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, मतलब कहाँ पर इंटरचेंज चाहिए। तो ऐसे लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एरर डिटेक्शन से क्वेश्चंस थे, एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी दोस्तों ऐसा था कि 3 4 सेंटेंस दिया गया था और हर एक सेंटेंस में या तो कोई एरर है या फिर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में एक से अधिक एरर है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में एक भी एरर नहीं है। और आपका ऑप्शन में दोस्तों ऐसा था कि तो दोस्तों आपको कॉम्बिनेशन बताना था कि सेंटेंस वन से कौन सा गलत है, सेंटेंस टू से कौन सा गलत है, और सेंटेंस थ्री से कौन सा पार्ट गलत है, उसका कॉम्बिनेशन आपको बताना था। तो यही था, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है आप लोग को। और जो क्वेश्चंस याद आएंगे ना वो आप कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे, ठीक है। और दोस्तों जनरल अवेयरनेस का पूरा सेक्शन स्टडी आईक्यू के गौरवगढ़ के वीडियोस से आए थे, गौरवगढ़ के वीडियो से ही पूरा सेक्शन के जितने क्वेश्चंस थे जनरल अवेयरनेस के पूरे आए थे। मैक्सिमम करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ऊपर आए थे। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको एक एसे लिखना था, 4 टॉपिक्स दिए गए थे, और आपको एक लेटर भी लिखना था, 4 टॉपिक्स दिए गए थे। ऐसे में एक था कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोसाइटी, ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद और क्या था क्वेश्चन, और एक आपका था प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ 4 डे वर्क वीक। ओके, और इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोसाइटी, और भी 2 टॉपिक्स थे जनरल टॉपिक्स, ये 2 थे, और 2 कौन से टॉपिक्स थे अभी याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आएगा भी नहीं, मैं भूल चुकी हूँ। और लेटर राइटिंग में दोस्तों एक लेटर ऐसा था कि लोग
बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एलईडी लाइट्स लगाते हैं अपने गाड़ी में, और जिससे कि दूसरे ड्राइवर्स देख नहीं पाते हैं, तो उसके ऊपर एक लेटर लिखिए। दूसरा एक था कि आपने रिसेंटली अपना घर पेंटिंग करवाया है कोई रेपुटेड कंपनी से, और 5 साल का वारंटी था उस पेंटिंग पर वो पेंटिंग ख़राब होने लगा है 1 साल के अंदर। तो उस मतलब जिसने आपको वो वारंटी दिया है उस मालिक को, कंपनी के मालिक को आप एक लेटर लिखिए, ठीक है। ऐसा वाला एक था। और एक था दोस्तों कि आपने कोई ईएमआई लेके रखा है, ईएमआई लेके टेलीविज़न ख़रीदे हैं, और हर महीना 3,000 रुपया कटना चाहिए, 2,000 रुपया कटना चाहिए, लेकिन 3,000 रुपया कट गया किसी महीने। तो इस डिस्क्रिपेंसी को लेकर बैंक मैनेजर को एक लेटर लिखिए, ठीक है। और एक टॉपिक भी था। तो ये था टोटल दोस्तों। अब मैं अपने अटेम्प्ट्स बताती हूँ। शायद आपको मेरे इस वीडियो में थोड़ा लगेगा मैं ऑफ हूँ, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट्स अच्छे नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अटेम्प्ट्स अच्छे नहीं रहे, दूसरा चीज़ जो है मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए एनीवेज मैं अपने अटेम्प्ट्स आपको रुकिए बताती हूँ, लिख के रखी हूँ मैं, मुझे देखना होगा। वन सेकेंड प्लीज़ गिव मी सम टाइम। दोस्तों रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट्स हैं 16, ठीक है। रीजनिंग में 16 अटेम्प्ट्स रहे मेरे। इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट्स रहे 30, और डीआई में यानी क्वांट्स में मेरे अटेम्प्ट्स रहे 10। और दोस्तों जनरल अवेयरनेस जो कि सबसे मेरा वीक सेक्शन है, उसमें मेरे अटेम्प्ट्स रहे ओनली 13, जिसमें से कि 3 रॉन्ग भी हैं, 3 गलत भी है। तो जाहिर सी बात है ये देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दोस्तों जनरल अवेयरनेस पूरा स्टडी आईक्यू के वीडियोस से आए थे। मैं स्टडी आईक्यू के वीडियोस की थी, लेकिन मैं एक ही बार बस उसको गो थ्रू की थी। तीन चार बार रिविजन करना ज़रूरी था याद रखने के लिए। जब मैं क्वेश्चंस देख रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि मुझे आते हैं, मैंने ये कहीं पर पढ़ा है, लेकिन मुझे ऑप्शंस याद नहीं आ रहे थे। तो इसलिए ये सेक्शन के वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ओके। बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मैं जो सोची हूँ अभी कि IBPS क्लर्क आने वाला है, मैं अभी ये सेक्शन बहुत स्ट्रांग करूँगी अपना। बस मुझे और कोई सेक्शन के ऊपर मैं अभी मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं करूँगी। मैं बाकी सब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के ऊपर मैं बहुत ज़ोर से ध्यान दूँगी इस बार, फिर देखती हूँ क्या होता है। और कट ऑफ के बारे में मैं बात नहीं करूँगी दोस्तों, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। कट ऑफ के बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। तो एक बार फिर से मैं ओवरऑल बता देती हूँ। रीजनिंग सेक्शन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आया था अकॉर्डिंग टू मी। DI का सेक्शन यानी क्वांट्स का सेक्शन था डिफ़िकल्ट, इंग्लिश का सेक्शन था मॉडरेट, और आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन था ईजी, ठीक है। तो और आपका डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन भी ईजी ही था, ओके। तो ये है टोटल मेरा एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव में दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोसाइटी, वो वाला मैं अटेम्प्ट की हूँ ऐसे में। और लेटर राइटिंग में वो पेंट वाला, जो पेंटिंग कंपनी के मालिक को लेटर लिखना था, वो वाला अटेम्प्ट की हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट कितने रहे हैं देख लीजिए, 69 टोटल अटेम्प्ट रहे 69 ऑब्जेक्टिव में, और वहाँ पर तो ऐसे और लेटर दोनों अटेम्प्ट की हूँ, ठीक है। तो यही है दोस्तों मेरा एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और दोस्तों नीचे कमेंट्स में आप लोगों के अटेम्प्ट्स भी लिखिए। और मैं श्योर हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस मिस की हूँ, वो क्वेश्चंस भी आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कैसा परफॉर्म किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं जब एग्ज़ाम देने गई बैंगलोर में, मेरा सीट पर मतलब मेरा क्या बोलूँ, ए सेंटर, मेरा एग्ज़ाम सेंटर था पीनिया में। जो लोग बैंगलोर से हैं वो लोग समझ जाएंगे, पीनिया में मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। और टोटल मैं मीट की 7 लोगों से, ठीक है, 7 पीपल जिन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया। उन्होंने कहा कि आप अन्वेषा हैं, आप यूट्यूब करते हैं। एक लड़का मेरे पास बैठा था एग्ज़ाम में, उसने मुझे देख के पहचान गया, वो मुझे देख के पहले मुझसे बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। टोटल 7 लोग मुझसे बात किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझसे आके बात किए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर फॉलोइंग मी, एंड
मुझसे जब आप मिल रहे हो तब मुझे अप्रोच करने के लिए थैंक यू। और आप लोग अगर जो लोग मुझसे मिले थे आज एग्जाम सेंटर में, वो लोग अगर आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर आप लिखो, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, मतलब ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, इम्पैक्टफुल कुछ कर रही हूँ मैं, ऐसा लगा मुझे। और मुझे ऐसा भी लगा कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, आप लोगों के लिए मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा। आई हैव टू क्लियर दिस एग्ज़ाम बिकॉज ऑफ यू गाइज, बिकॉज ऑफ योर लव। आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं इसलिए मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगा। आज मैं बहुत ही, मेरा मूड ऑफ है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब तो मैं सो जाऊँगी। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, बाय। आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इतना प्यार करते हो आप लोग मुझसे लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? सब्सक्राइब तो कर लो चैनल को, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके दोस्त फ्रेंड्स, बाय।